हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स ए, दिस इज सौरभ। सो गाइज, लास्ट का जो 15 से 20 दिन होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, और ऐसे में लोग गलतियां क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे कि सोचते हैं कि 5-10 दिन में कुछ जादू मिल जाए या हम पढ़े ना, जबकि आपका जो मानसिकता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये 15 दिन आपका ऐसा हो, कम से कम 2-2.5 महीने का तो आप पूरा इसमें निकाल लो। जैसे आपने क्या किया, इतने दिन कुछ भी किया हो, ये 15 डेज आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि इसमें सब कुछ आपका, जो भी आपका लग्जरियस चीज़ें करते हो ना, चाहे मोबाइल देखना, चाहे डिस्ट्रैक्ट होना, चाहे बाहर जाना, उसको बंद करिए। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया इसमें मोटिवेट कैसे हम रहेंगे, कैसे हम सोचेंगे। तो भाई मैं आपसे क्या कर रहा हूँ कि आप सोचिए आप किस IIT में जाना चाहते हैं, सोचिए आप किस NIT में जाना चाहते हैं। जब भी आपके दिमाग में इस तरीके का ख्याल आए कि भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मुझे पढ़ना नहीं है, या मेरे नंबर ख़राब आने वाले एग्ज़ाम में, कभी कभी आप स्यूडो थिंकिंग करते हो, तो जस्ट मेरा एक बात मानो, आप ये सोचो कि आप कौन सी IIT चाहते हो, X NIT चाहते हो, X IIT चाहते हो। अब उसको सोचो और एक बात अपने दिमाग में कंट्रास्ट करो कि क्या सच में मेरा जो फोकस है, जितना मैं कार्य कर रहा हूँ, जितना मैं वर्क कर रहा हूँ, क्या मेरा वो गोल को अचीव करने में मेरा पास में जा रहा हूँ या दूर जा रहा हूँ। आपका आंसर आपके सामने होगा। ऐसा बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है कि हमें ये करना चाहिए, हमें सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, हमें कुछ नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, तो आपका मोटिवेशन वैसे ही बना रहेगा। लास्टली, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि 15 दिन में एक स्ट्रॉन्ग जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की जाती हैं उनको कहाँ से छाटें। तो लोग अलग अलग किताबों में से छाटते हैं, लेकिन देखो होता क्या है कि एज ए स्टूडेंट लेवल आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो प्रॉब्लम्स पहले के पड़े हुए हैं या जो आपके किताबों में सिर्फ, लेकिन आप पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि जेई मेन कौन से क्वेश्चंस पर ज़्यादा जोर देता है, कौन से पैटर्न को मिक्स करता है, किस किस चैप्टर्स पर उसका ज़्यादा फोकस है। जैसे 2021 की बात करूं, तो मैंने आपको जो SHM वाला ग्रेविटेशन में होता है कि धरती के गोले के पास ऐसे ऐसे उसे ऐसे ऐसे टनल प्रॉब्लम को मैंने कराया था, और हर पेपर में आप देखोगे आया था। फिर रेफ्रिजरेटर में आ जाओ, कॉर्नेट की सीरीज को मैंने बताया था भाई इसको पढ़ के जाना, आज तक कभी नहीं आया था। जब मैंने बोला था कि कॉर्नेट में सीरीज का प्रॉब्लम पढ़ के जाना, दो कॉर्नर, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि देखो, हम लोग एज अ एडुकेटर लेवल पर, टीचर लेवल पर क्लासेस लेते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि देखो, कोई भी पेपर सेट कर रहा वही यही सोच के करेगा कि तीनों तरह के बच्चे उसे कर लें और बहुत आसानी से ना कर लें, क्योंकि जेई मेन का जो एग्ज़ाम है वो इलिमिनेटिंग एग्ज़ाम है, उसमें कोई सिलेक्शन नहीं करना है, जबकि बोर्ड के एग्ज़ाम क्या होते हैं, वो सिलेक्शन बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, उनमें सबको पास करो। तो अब 15 दिन में आप लोगों ने RER बैच सुना होगा कि भैया का RER बैच आ रहा है, लेकिन कई सारे बच्चे मुझे बार बार प्राइसिंग का कह रहे हैं कि भैया प्राइसिंग थोड़ा सा वो है। आप देख सकते हो किस तरीके से RER बैच का यहाँ पर निकाला गया है, किस तरीके से RER बैच की बुकलेट मिल रही है, किस तरीके की RER बैच का आपके पास फार्मूला सेट मिल रहा है। तो अब बच्चों का ये डाउट है कि भैया थोड़ा कॉस्टली तो है। देखो, कॉस्टली होने का मतलब ये है, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑफलाइन से चलेगी क्लासेस, और बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको आज एक और, आज रात 12 बजे तक जिनको भी RER बैच में इंटरेस्टेड है, 20 दिन तक आपको पढ़ना है। अगर आपके पास ये है, अगर आप ये प्रॉमिस करने तैयार हो कि आप वो सीरियस बच्चे हो जो मेरे को रिजल्ट ला के दोगे 95% एबव, तो मैं आज आपको एक कूपन कर दे रहा हूँ, प्रॉमिस 50, PROMISE 50। अगर आप 7 दिन तक लगातार RER बैच को बिना लेक्चर स्कीप किए देखे, और बिना आपने कोई भी एक दिन मिस किए, हमारे सारे असाइनमेंट को टाइमली सबमिट किया, सारे जूम क्लासेस में आए, हम आपसे 50% पैसा नहीं मांगेंगे। यह आज तक मुझे लगता है इंडियन एडुकेशन में कोई भी कोर्स के लिए सबसे बड़ा बच्चों के लिए छूट है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप 7 दिन मेरे को अपनी कंसिस्टेंसी दिखा दो, क्योंकि अगर तुम 7 दिन मेरे कहे चल गए, तो मुझे पता है तुम मेरे लिए 95, 98, 99% सिर्फ इसको करके ला दोगे, इसको करके तुम ला दोगे। 3 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट है, 2 अप्रैल को आपका ओरिएंटेशन क्लास है। रात 12 बजे तक डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्रॉमिस करना है या नहीं करना है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, हर एक एक बच्चे का, हर एक एक क्लास मॉनिटर होता है। आपको इतना तो पता है, टेक्नोलॉजी इतनी तो आगे बढ़ गई कि हम 7 दिन का आपका डेटा पता पा जाएंगे कि आपने टेस्ट दिया है, आपने क्लासेस कितनी बार और कितनी देर तक देखा है, ये भी आपको पता होगा। ये सब चीज़ें ऐप में इनेबल्ड रहती हैं। तो अब वो जो 15 दिन का हम मैजिक ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं ना, उसमें हमें रिजल्ट ला दीजिए आपका। आप 7 दिन हमें करके दिखा दीजिए, उसके बाद रिजल्ट हम आपसे अपने आप
उगलवा लेंगे, वो आप लाके ही रहोगे। तो ये मेरा चैलेंज आपको है, आप मेरे को चैलेंज दो कि ठीक है भैया प्रॉमिस 50 कूपन कोड यूज कर रहा हूँ मैं, आप कूपन कोड यूज करेंगे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 50% पैसे आपको देने नहीं। अगर आप 7 दिन के बाद आपके परफॉर्मेंस में 1 दिन का भी गैप दिखता है या दिखता है कि आपने सही से काम नहीं किया है, तो वी विल रिमूव यू फ्रॉम बैच, उसके बाद आपसे एक्स्ट्रा 50% पैसे मांगे जाएंगे, देन यू विल बी एडेड अगेन इन द बैच। तो ऐसी नौबत ही नहीं आने वाली है, जो बच्चे सक्सेसफुली इसको करना चाहते हैं तो वो प्रॉमिस 50 कोड ज़रूर यूज करेंगे। और मेरा ये ड्रीम है यार कि मैं ये जो बना रहा हूँ ना, ये जो इतना मेहनत करके हम लोग RER बैच चला रहे हैं ना, उस RER बैच में एक बच्चा भी आए, दो बच्चा भी आए, तीन बच्चा भी आए, वो इतना सीरियस हो कि मेरे को रिजल्ट इस बार छापने के पहले सोचना पड़े कि कितने बंदों को मैं बिठाऊंगा रिजल्ट छापने के लिए। तो अगर आप इस चैलेंज में या इस जर्नी में भाग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वेबसाइट पर जाकर RER बैच में रजिस्ट्रेशन करो, ऐप पर जाओ, प्रतीक सर को कॉल करो, नंबर दिया गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वही बच्चे आए जो एक्स्ट्रा सीरियस हो, ठीक है? बाकी आपका मोटिवेशन, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू। क्लोज सिस्टम चालू करो। प्रॉमिस 50